हेलो एवरीवन, मैं आंचल शर्मा, भाटिया न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल से काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आज हम बहुत ही सिंपल टॉपिक को इनफैक्ट लेंगे, स्ट्रेस। ठीक है, बहुत पेशेंट्स आए, मैम बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन चल रही है। तो मैं एंड ऑफ द डे जनरली आज सोच रही थी कि इतने लोग स्ट्रेस में आज बढ़ते जा रहे हैं, बहुत लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, हर कोई स्ट्रेस को लेके परेशान है, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, पर क्या कभी हमने ध्यान दिया है कि ये सिर्फ क्या हमारे एज ग्रुप को ही अफेक्ट करता है? जो स्ट्रेस परेशानी है, जो हमारा एज ग्रुप है, वर्किंग है, या जो यूनिवर्सिटी में बच्चे जा रहे हैं, या जो एज लोग हैं जिनकी फैमिली स्ट्रगल्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब तो टेंशन में हैं, पर क्या हमने ये कभी सोचने की कोशिश की है कि हमारे बच्चे जो छोटे हैं, जो टीनेज ग्रुप में हैं या एडोलेसेंस में हैं, क्या उनके साथ भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ सकती है? तो जनरली ही बस सोचते सोचते मेरा मन किया कि आप लोगों के साथ भी ये बात डिस्कस की जाए। टेंशन और स्ट्रेस बच्चों में आज की डेट में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बढ़ता जा रहा है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, हम वही डिस्कस करेंगे आज। देखिए, जब हम छोटे होते थे, हम लोगों के टाइम पे क्या था, लाइफस्टाइल बहुत सिंपल हुआ करता था। हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल से आ जाते थे, पढ़ के अपना फ्री हो गए, शाम तक खेलते रहना है, मम्मी पापा ने जब बुलाना है शाम को घर से, 2-3 घंटे खेल के हमने आराम से आके खाना खा के टीवी लगा कर टीवी देख कर सो जाना है। आज अगर आप अपने बच्चों को रूटीन चेक करिए सुबह से लेकर शाम तक का, क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें से कोई भी ऐसा टाइम है जो आपने अनस्ट्रक्चर्ड रखा है या जिसको कोई स्पेसिफाइड टाइम टेबल नहीं दिया? टाइम टेबल या डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी गलत कर रहे हैं और आप उसको चेक नहीं करेंगे। एक स्ट्रक्चर टाइम का मतलब है कि सुबह अगर आप 6 बजे बच्चे को जगा रहे हैं, 5 बजे बच्चे को जगा रहे हैं, 7 बजे से लेकर 2 बजे तक बच्चा स्कूल में, जिसमें कि इतने सारे पीरियड्स हैं, मतलब ऑन एवरेज 7 to 9 लेक्चर्स बच्चों के रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो बच्चे के ऊपर एक कंटिन्यूस प्रेशर है अच्छे मार्क्स लेकर आने का। हर सब्जेक्ट की अपनी एक्सपेक्टेशंस है, हर सब्जेक्ट की टीचर की अपनी एक्सपेक्टेशंस है, तो बच्चे को वहाँ से एक कंटिन्यूस प्रेशर, कंटिन्यूस स्ट्रेस है कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स आने, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो पापा बोलेंगे, अगर मैं ठीक नहीं परफॉर्म किया तो मैम डांटेगी, मेरी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, मेरी बेइज्जती कर देंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये एक कंटिन्यूस प्रेशर है। बच्चा घर आता है तो माँ बाप का स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एज अ पेरेंट आज की डेट में हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा सा ही जैसे बड़ा हुआ है, जैसे ही अपने आप को संभालने लग पड़ा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाकियों से बिल्कुल एकदम बढ़िया से निकल आए ना, एकदम मैनर्स में परफेक्ट होना चाहिए, एकदम मार्क्स उसके परफेक्ट आने चाहिए, 100 out of 100 स्कॉलर बच्चा होना चाहिए जी, उसको आता भी अच्छा हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी परफेक्ट हो, वो स्कॉलर भी हो, एजुकेशन में भी बढ़िया हो। तो एक ही बच्चे में आप हर स्ट्रीम में चाह रहे हैं कि वो टॉप करे, तो कंटिन्यूस प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट ना चाहते हुए भी आप दे रहे हैं, ये सामान ऐसे रख दो बेटा, इसको वहाँ नहीं रखना बेटा, इसको ये कर दो, अब आपको ट्यूशन पे जाना है। 3rd-4th क्लास से ही हमने बच्चों को ट्यूशन पे डालना शुरू कर दिया है। उसके बाद हॉबी क्लासेस, प्री नर्सरी का बच्चा भी आज हॉबी क्लास में जा रहा है, एंड पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग कि हमने तो अपने टॉडलर को, हमने तो अपने इस छोटे से बच्चे को जी हमने स्विमिंग क्लास में डाल दिया है, जी हमने इसको ड्राइंग क्लास में भेजा है। ठीक है, बच्चा इंजॉय कर रहा है, दैट इज़ ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, अगर उसको शौक है आर्ट का तो आप उसको उसमें परस्यू करवाइए, स्विमिंग अच्छी लगती करवाइए, लेकिन एक कंटिन्यूस चीज़ कि अगर रोज़ एक बच्चे को सुबह पता है कि मुझे 2 घंटे इस क्लास में जाना ही, तो आपको नहीं लगता वो कितना प्रेशर है उस चीज़ का बच्चे के ऊपर, क्योंकि पता है कि मुझे 1 घंटा ही करना पड़ेगा। वही एक्टिविटी अगर अनस्ट्रक्चर्ड हो तो बच्चे का जब मन कर रहा, आज मेरा नहीं मन कर रहा स्विमिंग का तो मैं आज ड्राइंग करूँगा, आज ड्राइंग का नहीं मन कर रहा आज मैं प्ले करूँगा, आज प्ले का नहीं मन कर रहा तो मैं मॉडलिंग करूँगा, क्ले मॉडलिंग करूँगा, वो इंजॉयमेंट का सोर्स है। लेकिन वही एक्टिविटी अगर आप एक पर्टिकुलर हैबिट में डाल रहे हैं कि डेली यू हैव टू डू, दिल कर रहा है नहीं कर रहा आपको जाना ही पड़ेगा, तो वो प्रेशर है, वो इंजॉयमेंट नहीं है, तो आपने उसकी इंजॉयमेंट को एक प्रेशर, एक स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया। तो आज एज अ पेरेंट हम यही कर रहे हैं कि मेरा बच्चा पॉलिश हो जाए, इसीलिए मैं चाहूँ या ना चाहूँ बच्चे को मैं भेज ही रहा हूँ। आज उसके पेरेंट ने 2 क्लासेस लगवाई हैं, मुझे तो 1 क्लास में भेजना ही है, परेशान मैं भी हूँ, मैं भी बहुत मुश्किल से भेज रहा हूँ, मैं भी आउट ऑफ द वे जाके इकोनॉमी अपनी फाइनेंसिस को अफेक्ट करके फिर भी मैं कर रहा हूँ, अपने टाइम को स्पेयर करके फिर भी मैं बच्चे के लिए कर रहा हूँ। आप अपने आप को भी प्रेशर में डाल रहे हैं, आप अपने बच्चे को भी प्रेशर में डाल रहे हैं, तो इन्जॉयमेंट कहाँ पर हुई? ये तो माँ बाप के लिए भी स्ट्रेस हो गया, ये तो बच्चे के लिए भी स्ट्रेस हो गया। तो क्या आपको लगता है कि आज की डेट में जो हमारे बच्चे जिन चीज़ों को हम लोग अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करते थे, आज हमारे बच्चे वही चीज़ों को इंजॉय कर पा रहे हैं, या वो ज़्यादा एक कंपटीशन है, हर चीज़ की रेस लगी है, हर चीज़ की रेस है, खाने की रेस है, पहनने की रेस है,
मतलब मार्क्स की रेस है, अपने आप को दिखाने की रेस है, लैंग्वेज की रेस है। अगर बच्चा रोम से कोई भाषा बोल रहा है तो माँ बाप उसमें भी कह रहे हैं नॉट दिस लैंग्वेज बेटा, यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, ये अच्छे से बोलो, ये वैसे बोलो, आज हम बाहर हैं, आज हम यहाँ आए हैं। तो बच्चा तो कभी ईजिली डेवलप ही नहीं अपनी डेवलपिंग एज में हो रहा, वो तो हर चीज़ में कंस्ट्रिक्टेड है, तो फ्री डेवलपमेंट कहाँ हो रही है बच्चे की माइंड की। तो हेल्दी बच्चा, हेल्दी मेंटल हेल्थ वाला बच्चा हमेशा वो होगा जो आपसे अपने बारे में खुल के बात कर सके, जो उसका मन कह रहा है वो अपनी इच्छाओं को आपके सामने जाहिर कर सके। इच्छाओं को राइट डायरेक्शन देना, इच्छाओं को सही गलत में गाइडलाइन देना बच्चों को, वो आपकी ड्यूटी है। लेकिन क्या हम वो सब कुछ उस तरीके से कर पा रहे हैं, या हम अपने बच्चों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में ही उनका नुकसान कर रहे हैं। आज हम सबको ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने आप के ऊपर एक चेकलिस्ट जरूर लगाएं कि क्या एक चीज़ जितनी करनी चाहिए हम उतनी कर रहे हैं, या अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए हम अपने बच्चों की डेवलपमेंटल ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट डाल रहे हैं। प्लीज़ डू थिंक ऑन इट एंड गिव योर चाइल्ड अ हैप्पी फ्री एनवायरनमेंट सो दैट ही कैन डेवलप इन अ रियली गुड वे। थैंक यू सो मच।